तो फाइनली दोस्तों रणवीर कपूर सर की एनिमल फिल्म की दूसरे दिन की ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आ चुका है। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि रणवीर कपूर सर की एनिमल फिल्म ने दो दिन में पूरे दुनिया भर से कितने करोड़ रुपए की कमाई की है, पूरा डिटेल से इस वीडियो में बताने वाले हैं। इससे पहले मेरी छोटी सी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं इसी तरह का अपडेट हमेशा आप सभी लोगों के लिए लाता रहूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि एनिमल फिल्म को अपने इंडिया भर में 4000 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है, तो वही पूरे दुनिया भर में 6500 स्क्रीन पर। और ये फिल्म अपने पहले दिन सिर्फ इंडिया से 61,50,00,000 रुपए की कमाई की है। तो वही बात करें एनिमल फिल्म की ऑफिशियल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों आपको बता दें कि एनिमल फिल्म ने अपने पहले दिन पूरे दुनिया भर से 116 करोड़ रुपए की कमाई की है, जिसके बारे में एनिमल फिल्म के मेकर्स की तरफ से एक पोस्टर शेयर करके बताया गया, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो वही दोस्तों बात करें एनिमल फिल्म के दूसरे दिन की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों आपको बता दें कि एनिमल फिल्म ने आज अपने दूसरे दिन सिर्फ एडवांस बुकिंग से 30 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। और जिस तरह से एनिमल फिल्म का बज बना हुआ है उस हिसाब से एनिमल फिल्म आज अपने दूसरे दिन सिर्फ इंडिया से 60 से 65 करोड़ रुपये की कमाई कर सकती है, तो वही पूरे दुनिया भर से 100 करोड़ रुपये से भी ज़्यादा की। तो दोस्तों अगर आपने एनिमल फिल्म देखा है तो आपको ये फिल्म कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और ऐसा ही अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मूवी ढांसू था, पैसा वसूल मूवी था, और लास्ट में हमें ये पता चला कि इसका सेकंड पार्ट भी कन्फर्म आएगा। रणवीर कपूर का एक्टिंग एकदम, मतलब सारा हीरो फेल हो गया इसके सामने। ये फिल्म लगभग 1000 करोड़ तक तो जाएगी। आपको कैसा लगा भाई? बहुत लगा, मस्त फिल्म था।